मैं इरफान खान को डिफाइन कर सकता हूँ, और वो है सच्चा इंसान। वो हर तरीके से सच्चे थे, वो स्पिरिचुअल थे, वो ग्राउंडेड थे, वो वही थे जो जो एक आम आदमी है। वो छोटे छोटे से सेलिब्रेशन होते थे कि आज खुश है तो क्रिकेट खेल लिया, आज खुश है तो अपने फार्म हाउस के ऊपर चले गए, थोड़ा सा नेचर के करीब चले गए, पानी के किनारे खड़े हो गए, पतंग उड़ा ली, ये उनके सेलिब्रेशन थे। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। Hi guys, this is Ankita. You're tuned into peepingmoon.com and हमारे सारे इंटरव्यूज में से शायद आज हम एक बहुत ही अलग इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इरफान साहब जो पिछले साल हमें इसी तारीख पे छोड़ के चले गए थे, हम उनको याद करते हुए आपके लिए उनकी जिंदगी से जुड़े शायद वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल पीपल्स को आपके पास लेकर आ रहे हैं, जो हमें शायद उन यादों की गलियों में लेके चलेंगे जिनसे हम और आप रूबरू नहीं है। प्लीज वेलकम इरफान के सबसे पुराने दोस्तों में से एक, उनके को-स्टार और उनकी जिंदगी पे शायद हमें हेल्प करने में नजर डालने के लिए इमरान साहब। इमरान वेलकम। हाय, थैंक यू वेरी मच। इमरान, बहुत अजीब है हम किसी फिल्म या किसी शो के लिए इंटरव्यू ना करते हुए हम इरफान साहब को याद करते हुए आपसे बात कर रहे हैं। एक साल पूरा होने को आ रहा है उनको गए हुए, आप उनके साथ इतने साल, आपकी दो डिकेड से भी ज्यादा की दोस्ती, उससे भी ज्यादा का आपका उनके साथ सफर रहा है, आप इरफान साहब को कैसे याद करते हैं? कितना याद करते हैं और कैसे याद करते हैं, बड़ा मुश्किल है इसको अल्फाजों में बयान करना। मैं बहुत उस चीज को मिस करता हूँ। जब वो चले गए थे उसके बाद भी कई बार जैसे कुछ याद आता था तो मैं फोन उठा के फोन कर देता था, या उनको कुछ लगता था तो वो फोन कर देते थे, तो वो नहीं थे तो भी एक दो बार ऐसे फोन की तरफ हाथ गया कि उनको फोन करता हूँ, कुछ एकदम याद आया, फिर एकदम लगा कि नहीं अब तो वो है नहीं। वो शॉक और रीशॉक वो बार बार जो होता था वो काफी टाइम तक चलता रहा। शुरू शुरू में कई बार लगता था वो एक बेचैनी सी होती थी वो बात ना करने की, तो उसने मुझे बहुत सबसे ज्यादा डिस्टर्ब मुझे उस चीज ने करा कि एक जो बातचीत होती थी और जो नहीं होती थी उसने मुझे, मैं काफी मतलब उसकी वजह से अपसेट हो जाता था। कुछ शेयर करना होता था फौरन शेयर करते थे, कोई बुक पढ़ी होती थी फौरन उसके ऊपर बात करते थे। हम लोग फिल्मों के ऊपर बात नहीं करते थे, हम लोगों का भी ऐसा नहीं होता था कि शूटिंग क्या और फिल्म क्या, ये फिल्म छोड़ के हम बाकी सारी बातें करते थे, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतनी बातें नहीं होती थी। तो वो जो चीजें थी उनका भी कुछ शौक थे ऐसे, किताबें बहुत पढ़ते थे वो भी, मैं भी काफी पसंद करता हूँ किताबें पढ़ना, तो पढ़ना फिर उनसे शेयर करना और फिर धीरे 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 अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करने लगे कि एक जब जगह एक आदमी की जब खाली हो जाती है वो कभी भर नहीं सकती, वो मतलब ये थॉट तो आदमी दो दिन बाद आ जाएगा, दो महीने बाद आ जाएगा, दो साल बाद आ जाएगा, कहीं गया हुआ हो तो फिर भी समझ में आता, जब ये समझ में आ जाता है आपकी क्या वो चीज दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं होगी, बड़ा एक अजीब सा खालीपन और एक अजीब सा मतलब बाकी चीजों से दिल उचाट सा कर देता है थोड़ी देर के लिए, बाकी सब चीजें बेमानी लगने लगती है। इमरान साहब, बहुत से लोग शायद जो अभी ये देख रहे हैं आपके और इरफान साहब की दोस्ती के बारे में शुरू से नहीं जानते, क्या आप हमें वापस ले जा सकते हैं कि आप इरफान से कब मिले और इतने सालों की दोस्ती, इतने सालों का जो आपका रिश्ता था जो प्रोफेशनली भी बाद में कुछ फिल्मों में रहा, वो कहाँ से शुरू हुआ? देखिए मैं तो वैसे तो जयपुर से, उनके जो भाई हैं वो भी मैं उनको भी जानता था उनसे पहले से काफी, तो कई तो याद भी नहीं कितने साल पुरानी बात है। तो पहली बार जब उनसे उनके घर पे यहाँ पर उनके घर पे गया था तो मिले थे, कुर्ता पहने हुए थे और कहीं कोई ऐसी एयर्स नहीं थी कि मैं इरफान खान हूँ या मैं कोई बड़ा हूँ या मैं स्टार हूँ, वो तो उनके अंदर कभी रहा ही नहीं। तो मिले थे तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आम इंसान एक आम इंसान से मिलता है, बिल्कुल नॉर्मल, और हमेशा ही वो नॉर्मल रहे। मैंने कभी उनको उनके अंदर वो स्टारडम वाली हवा नहीं देखी, कभी वो किसी चीज को उन्होंने मतलब गुरूर और घमंड तो मैं शब्द ही नहीं बोल सकता, वो तो कहीं दूर दूर तक था ही नहीं उनके पास, लेकिन मतलब थोड़ा सा भी उनके अंदर ऐसा नहीं था कि मैं अलग हूँ, ऊपर हूँ, अनकॉमन हूँ,
सेलिब्रिटी हूँ कभी नहीं था। बहुत सारे स्टार्स और एक्टर्स ऐसे हैं जब आप शूट के ऊपर जाते हैं तो पूरा काफला जाता है उनके साथ, 10 लोग इधर बैठे हैं, 5 लोग उधर बैठे हैं, एक आदमी सिगरेट पकड़ने वाला है, एक आदमी आपका मोबाइल पकड़ने वाला है, एक बैग लेके खड़ा हुआ है, एक चाय का कप लेके खड़ा है, एक फ्रूट लेके खड़ा है। उनके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होता, कभी कोई काफला साथ में नहीं चलता था, हमेशा नॉर्मल रहे। मैंने उनके साथ पान सिंह तोमर करिए, पान सिंह तोमर में बैठने की जगह नहीं होती थी, तो जमीन के ऊपर वहां बिहड़ में पत्थरों पर बैठ जाते थे, वो भी हमारे साथ पत्थरों पर बैठे होते थे। कभी ऐसा कहीं नहीं करा कि तुम अलग हो, मैं अलग हूं, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, कभी किसी के साथ नहीं करा। तो यही उनकी उनका बड़प्पन था कि उन्होंने अपने आप को ग्राउंडेड रखा, हमेशा अपने आप को जमीन पे रखा उन्होंने, कभी उन्होंने अपनी हवा बदल नहीं दी। इरफान साहब, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब इरफान खान साहब ने अपना नाम इरफान किया, उसमें कोई आपका भी एक वो था, आपने उन्हें एक सजेशन दी थी, क्या ये बात सच है? मैं जानती नहीं, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। देखिए ये चीज, इसमें ये चीज अगर इरफान साहब खुद बताते तो ज्यादा अच्छा लगता, तो वो मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा, वो उनका उन्होंने अपने जो भी इस टाइप की चीजें लोग करते हैं उन्होंने करा होगा। तो ठीक है, मैंने आपसे वो सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने उन्हें एक एस्ट्रोलॉजिकल वाइज एक अच्छी सजेशन दी थी, और फिर सब कहते हैं कि जब वो इरफान खान से सिर्फ इरफान के नाम पर आए तो सक्सेस ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा आखिरी दम तक। हाँ, हम लोगों ने डिस्कस तो करा था इस बारे में, बातचीत तो हमारी हुई थी, बातचीत तो मैंने कहा ना कि फिल्म छोड़ के हमारी हर चीज पे बातचीत होती थी, और ऐसा कोई नहीं होता था जहाँ हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा हो किसी चीज के ऊपर, कोई डिसीजन लेना है, कुछ करना है, तो हम लोग डिस्कस जरूर करते थे। इमरान साहब, एक बहुत अजीब बात हुई कि इरफान की इंतकाल के बाद उनकी मदर भी उसी के आसपास टाइम में वो भी नहीं रहे थे, ये शौक इंडस्ट्री या फैंस को छोड़ के उनकी फैमिली के लिए भी किसी को खोना बहुत बड़ा शौक होता है, एंड खासकर उस टाइम पे जब अभी बाबिल ने रिसेंटली उनके बेटे ने कहा कि वो सोच रहे थे कि वो अब्बा से शायद एक्टिंग सीखेंगे, आप कैसे वो दौर देखते हैं इरफान के परिवार के लिए, क्योंकि वो एक लॉकडाउन सबसे बड़ी जो एक उस टाइम भी एक दुख की घड़ी थी कि जो लोग चाहकर भी आगे सम्मान देना आना चाहते थे इरफान साहब को, वो भी नहीं आ पाए, आप उनको चुनिंदा लोगों में से थे जिनको परमिशन मिली कि वो वहां तक जा पाए उनको अलविदा कहने के लिए, आपने कैसे देखा इरफान की फैमिली को इससे निकलते हुए, आप वहां पे थे, आज वो जहां पर हैं उनके परिवार, बाबिल लॉन्च हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं ये? देखिए, एक तो थोड़े टाइम से वो उनकी वो बीमार तो चल ही रहे थे, और वो जब एक आदमी घर में बीमार होता है तो पूरे घर वालों की पूरी जिंदगी रुक जाती है, जिस तरह से उनके घर वालों ने करा, जिस तरह से उनकी वाइफ ने करा, वो पूरे टाइम उनके साथ रही, पूरा उनका टाइम टेबल वो फॉलो करती थी, कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है, क्या देना है, कब देना है, डॉक्टरों से बात करना है, मीटिंग्स करना है, वो इंडिया के डॉक्टरों से बात करती थी, फिर उसके बाद वो लंदन वाले डॉक्टरों से बात करती थी, फिर उसके बाद वो यूएस में करती थी, फिर एक और कोई जगह थी, मतलब वो पूरा, फिर उसके बाद जो दूसरे अल्टरनेटिव हीलिंग्स हैं उनके डॉक्टरों से, तो वो तो पूरा उनका वो उनकी जिंदगी तो बस इसी सब चीजों के अंदर, उनका जो उतना टाइम था उनकी वाइफ का वो उसी में गुजरा, वही उसी में उनके बच्चे, सब माहौल ही ऐसा हो गया रह गया था। और जब वहां पर उनके उनके जो उनको जो दफनाने के लिए लेकर गए थे, तो वहां पे मैं खुद थोड़ा सा उस स्टेज में नहीं था कि मैं ऑब्जर्व करूं लोगों को कि किस पे क्या गुजर रही है और किसके साथ क्या हो रहा है, तो जब मैंने उनको देखा तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था। तो उसके बाद के काफी टाइम तक का मेरे पास खुद मेमोरी नहीं है कि क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही क्या कहते हैं उसको, बस करता चले गए थोड़ा सा उसके पार्ट में, मुझे पता नहीं कि वो क्या हुआ और लोग क्या कह रहे हैं और कौन खड़ा है कौन देख रहा है वो सब पता नहीं चला, तो थोड़ी देर बाद सब समझ में आया था। तो ऑब्वियसली जब हम तो बाहर के हैं, जब इतना डिस्टर्ब है तो उनके अपने घर वाले उनके अपने बच्चे जो वो लोगों का तो सोच ही नहीं सकते कि उन पे क्या गुजरी होगी। आप बाबिल से टच में हैं इमरान साहब, क्योंकि अब वो भी फिल्मों में आ रहे हैं अपने अब्बा की तरह? जी हैं, लेकिन मतलब उतना तो नहीं जैसे कि इरफान भाई के साथ थे, लेकिन हाँ घर वालों में सबसे टच में हैं। इमरान,
ऐसी कौन सी बात है इरफान की जो आपको लगता है कि आप जब आज के दौर के एक्टर्स को देखते हैं, जो शायद एक सीख थी उनकी, जो सबको एक एक्टर के नाते, क्योंकि आप खुद एक एक्टर हैं, एक परफॉर्मर हैं, आज के एक्टर्स को वो अपने साथ बांध के रखने चाहिए। मैंने बहुत लोगों से, क्योंकि इरफान की डेथ के बाद भी सुना कि इरफान हमें ये सिखा गए, वो सिखा गए, लेकिन आप उन्हें इनसाइड आउट जानते थे, अगर हम ये कह सकते हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली, ऐसी वो क्या क्वालिटी थी उनकी जो आपको लगता है कि एक्टर्स को आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने साथ रखनी चाहिए? देखिए, जो उनके अंदर सबसे बड़ी बात थी, जिसने उनको एक मुकाम पर पहुंचाया, जिसकी वजह से वो ऐसी एक्टिंग करते थे कि कोई और नहीं कर सका, वो था उनका स्पिरिचुअल कनेक्ट, वो थी उनकी ऑनेस्टी और वो थी उनकी सच्चाई। लोग अपने आप वो आप उनको स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, ज्यादातर लोगों ने तो स्क्रीन पे ही देखा है ना उनको, अगर आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे तो वो जिस कैरेक्टर में कर रहे होते थे तो वो सच्चा लगता था। यही तो खूबी थी उनकी कि वो इतनी सी बात थी, वो जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो सच्चा लग रहा है। वो सच्चा कैरेक्टर स्क्रीन पे लगाने के लिए पहले तो आदमी को भी सच्चा होना चाहिए। वो अंदर से सच्चे थे और उनकी एक्टिंग में कोई खास बात नहीं थी, उनकी जो स्पिरिचुअल कनेक्ट था वो एक्टिंग थी उनकी। उस स्पिरिचुअल कनेक्ट के साथ जो वो करते थे वो एक कमाल था, उसकी वजह से होता था। लोगों को वो बात समझ में नहीं आती है, लोग फेक कई बार अपनी असली जिंदगी में भी होते हैं और फिर स्क्रीन पे जाकर तो फेक होना ही पड़ता है, तो और फेक हो जाते हैं, तो उस वजह से उस लेवल की एक्टिंग नहीं कर पाते। तो इरफान खान की जो खास बात थी वो था उनका, वो एक्टिंग नहीं थी, वो स्पिरिचुअलिटी थी, वो कर जाते थे, वो हो जाता था, वो हर किसी के बस की बात नहीं। इमरान, उनके साथ ये बात बहुत खूबी से जोड़ी गई कि इरफान की आंखें बातें करती हैं, कि वो बस स्क्रीन पे आते हैं और वो देखते थे और सीन कंप्लीट कहा जाता था, कि शायद आपकी बात अब मैं समझ पा रही हूँ कि वो सब बिना कहे ही पर्दे पे उनकी आंखें दर्शा जाती थी। देखिए, जब जब तक आपका कनेक्ट नहीं हो किसी से, अगर आप आए हैं और आपका अगर वहां तक कनेक्ट नहीं है तो वो बात पहुंच नहीं पाएगी। आप अपनी लाइंस तो बोल सकते हैं, सबको मालूम है गुस्सा कैसे करना है और एंगर कैसे दिखाना है और प्यार कैसे दिखाना है, चार पांच इमोशंस हैं, हर आदमी को आते हैं, हर आदमी जिंदगी में यूज करता है, लेकिन उस सच्चाई के साथ कनेक्ट करके वहां दिखाना वो बहुत कम लोगों को आता है। वो उनके अंदर था, वो उनके अंदर, वो उसको पहुंचाना जानते थे और वो पहुंचता भी था, और उसमें उनकी सच्चाई और उनका उनका पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस सब चीजों के अंदर। इरफान साहब, इरफान ने कभी अवार्ड्स के लिए क्या शब्द मैं यूज करूं, कभी अवार्ड्स को इतनी तवज्जो नहीं दी, जबकि ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है, खासकर अभी भी बस कुछ चंद दिन पहले बाबिल उनके हिस्से का, उनका लास्ट कहने में अजीब लगता है, बेस्ट एक्टर का ट्रॉफी उठा के लेकर गए घर। ऐसा क्या था इमरान साहब कि इरफान अवार्ड्स को वैलिडेशन की तरह कंसिडर नहीं करते थे, जबकि मैंने हर परफॉर्मर अवार्ड्स को वैलिडेशन की तरह लेता है कि अवार्ड मिला है, हमारे काम को रिकॉग्निशन मिली है, लेकिन इरफान के साथ कभी भी हमने इस तरीके का ना कुछ देखा, ना पढ़ा, ना किसी इंटरव्यू में सुना, क्योंकि जब अभी बाबिल भी उनके हिस्से का अवार्ड लेकर गए तो वो भी बस दो शब्द बोलकर रूठ ही चले गए कि उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं कहा। देखिए, इरफान खान, उनके जो सेलिब्रेशन होते थे वो बहुत छोटे से सेलिब्रेशन होते थे। ऐसा नहीं है कि आज मुझे अवार्ड मिला है तो आज पार्टी हो रही है और फिर पार्टी के अंदर ये चीजें भी खाई जा रही हैं, वो चीजें भी पी जा रही हैं और इतने लोग आएंगे, वो होगा, ऐसा वो कभी उनके उन्होंने कभी करा ही नहीं इन सब चीजों को। बहुत छोटे छोटे से सेलिब्रेशन होते थे कि आज खुश हैं तो क्रिकेट खेल लिया, आज खुश हैं तो अपने फार्म हाउस के ऊपर चले गए, थोड़ा सा नेचर के करीब चले गए, पानी के किनारे खड़े हो गए, पतंग उड़ा ली, ये उनके सेलिब्रेशन थे। वो इन सब ये थोड़े से क्या कहते हैं इसको, ये जो दिखावटी चीजें हैं ना दुनिया की, कि आप आज वो अवार्ड मिला है तो उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और उसके 50 फोटो आएंगे और फिर उसके बाद उसके उसके सेलिब्रेशन के फोटोज आएंगे, वो सब उन्होंने कभी करा ही नहीं। उन्होंने सब चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं, उन्होंने जिन चीजों को इंपॉर्टेंस दी उसके अंदर वो एक्सेल करके गए, तो ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है। अवार्ड आए, अच्छा काम करेंगे तो अवार्ड आएगा ही, तो उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया उन सब चीजों पर। अच्छा काम करते थे, अवार्ड तो आते रहे उनकी जिंदगी के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी इन सब चीजों का तमाशा नहीं बनाया। इमरान, ऐसी कोई बात है इरफान की जो आपको लगता है, आप कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जो आप ऑडियंस को बता सकते हैं, जो शायद इरफान को आज भी याद करते हैं, बट आज आपने कहा उनका मीडिया में कुछ ऐसा
इतनी इन्फॉर्मेशन कभी बाहर रहती नहीं थी, क्योंकि वो कभी इतना आके उन्होंने ना बोला ना कहा, बट कुछ ऐसी याद है, कोई ऐसी बात इरफान की जो आप एक एक वॉर्म मेमोरी की तरह उनके फैंस के लिए छोड़ पाए जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, मैं तो उनकी उनकी उनके बारे में यही बता सकता हूँ कि वो उतने ही सादा थे, उतने ही सिंपल थे जितना एक आम आदमी होता है। वो तो अपनी अपनी जिंदगी उन्होंने वैसे ही जी है। वो उन्हीं छोटी छोटी चीजों के अंदर खुशियां ढूंढते थे जिनके अंदर हम सब करते हैं। वो ऐसा ऐसे वो वाली चीजें उन्होंने कभी करी ही नहीं जो कि एक दिखावटी हो, ग्लैमरस हो, झूठी हो, उसको बनाया जाए, इतना बड़ा करा जाए। उन्होंने अगर आप उनके मीडिया सोशल मीडिया को भी फॉलो करके देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा उसके अंदर ऐसा। वो ऐसा ही है जैसे एक जो नॉर्मली सब करते हैं। तो ऐसे हम लोग बस वही है, हम लोग साथ बैठना, साथ उठना, छोटी छोटी चीजों में खुश होना, छोटा मोटा कुछ खा लेना, पी लेना। खाने पीने का बड़ा शौकीन था हम लोगों के, खाने के टेस्ट बहुत मैच करते थे। तो कभी हम लोग कबाब, जैसे हम लोगों की मेरी यहाँ मतलब कभी कबाब बनते थे तो काफी शौक से खाते थे वो, और कबाब हमेशा रोटी के साथ खाना पसंद करते थे। वो आते रहे हम लोग इस टाइप के खाने हम लोगों ने बहुत बार साथ में खाया है। कई बार आना नहीं हो पाता था तो मैं लेके चला जाता था उनके पास। कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरल है, जमीन से जुड़ी हुई है। आप बताइए कि मेरे घर में आम लगा हुआ है, मैं घर का आम लेके आ रहा हूँ, बहुत खुशी से उसको खाएंगे। आप उनसे कहिए कि मैं ये फलानी चीज है और ये अमरीका से आई है और ये $10,000 की है, खाने की है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सब वो चीजें हैं जो बिल्कुल सादी, सिंपल और नेचुरल है, हमेशा वो उन्हीं सब चीजों से जुड़े रहे। इमरान, एक बहुत दिलचस्प बात है, इरफान ने अपनी आखिरी फिल्म एक जब वो बीमारी से जूझ रहे थे, शायद काफी एडवांस स्टेज में वो बीमार रहे, जब उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म तब शूट करी। बहुत बाद में हमने जैसे कहीं पढ़ा कि कितने दर्द में उन्होंने अपना कुछ आखिरी शूट, अपना कुछ आखिरी सीन्स फिल्माए अंग्रेजी मीडियम के लिए। आप उस जज्बे को किस तरीके से देखते हैं कि एक एक्टर जानता है कि शायद वो और बेहतर नहीं हो पा रहा हेल्थ वाइज, पर अपने क्राफ्ट के लिए उनकी कमिटमेंट में इतनी सी भी कमी नहीं थी। बीमार होते हुए भी उन्होंने अपनी फिल्म कंप्लीट करी, हमें से कोई नहीं जानता था शायद वो उनकी आखिरी फिल्म रहेगी, बट आप क्योंकि इतने सालों से साथ थे, आप उनको उस जर्नी में देख रहे थे, क्या आपने भी कभी मतलब आप उस कमिटमेंट को कैसे कैसे देखते हैं? उन्होंने जब वो फिल्म शुरू करी थी तो उस फिल्म के टाइम पे वो काफी बेटर थे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सी उनकी तबीयत बाद में डाउन होने लगी थी। लेकिन एक्टिंग को उन्होंने हमेशा इबादत की तरह देखा है। वो एक बार कैमरे के सामने गए तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता क्या होगा। वो कहते थे कि लास्ट में मतलब जब उन्होंने लास्ट के सीन करे थे तब भी उनकी तबीयत काफी खराब होने लगी थी, लेकिन वो कैमरे में पता नहीं चलती। वो खुद ही कहते थे कि जब एक बार कैमरे के सामने चला गया तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो बल्कि उनके लिए हीलिंग प्रोसेस थी। तो जो उन्होंने दो एक महीने की जो थोड़ा टाइम तक वो फिल्म करी है, दो एक महीने दिए, तो उसने तो बल्कि उनको हील करा, उसने तो उनको और एनर्जाइज करा। उसके बाद तो उनकी सारा उनका चलने का स्टाइल, उनकी बातचीत सब बदल गई थी। बिल्कुल लग रहा था कि वो ठीक हो गए। इमरान, आप एक कुछ आखिरी सवालों में से एक पूछूंगी आपसे, आप बाबिल को कहां देखते हैं? मतलब वो अपने अब्बा की शायद इतनी बड़ी लेगेसी लेके बाबिल आगे जाने वाले हैं, आप हम सब उनको पर्दे पे जल्द देखने भी वाले हैं, उनकी पहली फिल्म के बारे में अनाउंसमेंट भी आई, आप बाबिल को कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे उनकी वो बात बहुत छुई कि उन्होंने फिल्म फेयर के स्टेज पे बोला कि मैंने अब्बा को कहा था मैं आपसे एक्टिंग सीखूंगा, फाइनली 3 दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर आए पर वो आए नहीं। वो बहुत एक बहुत डीपली पर्सनल बात उन्होंने वहां पे बताई। आप बाबिल को किस संदर्भ में हमको बता सकते हैं उनके बारे में? देखिए, जो लोग इरफान खान को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, जिन लोगों ने उनके साथ काम कराया, जिन लोगों ने उनके साथ अर्ली डेज में थिएटर कराया, उन लोगों ने देखा है उनके छोटे छोटे नुएंसेस काम करने के तरीके। कई लोगों ने उसमें से थोड़े 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 उठा के अपने अपने एक्टिंग में डालने की कोशिश भी करी है, लोगों ने उसको यूज भी करा है। एक ऐसा जिसके अंदर इरफान खान का DNA है, जो उनके साथ बड़ा हुआ है, जिसने उनको हर मोमेंट पे देखा है, जिसने उनको अपना आइडियल बनाया है, जिसने उनको चलते फिरते उनकी फिल्में शूट होते साथ रहते उठते बैठते देखा है,
तो उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको इरफान खान की याद दिलाएंगी, और वो उनका स्टाइल, उनका तरीका, मुझे लगता है कि जैसे तो ओवर द टाइम हर आदमी अपना एक डिफरेंट स्टाइल ले लेता है, लेकर आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो झलक तो मिलती है, तो उसका तो मुझे भी बहुत इंतजार है और मुझे लगता है कि वो भी बहुत अच्छा करेगा। जाते वक्त इमरान, अगर मैं आपसे शायद ये सवाल मुझे पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, बट इरफान की जगह आपने पहले भी कहा ना कोई ले सकता है, और आपके लिए वो मेमोरी कोई नहीं चेंज कर सकता जो आपके लिए इरफान की मेमोरी थी। मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो बहुत जल्दी चले गए, मतलब हम सब जानते हैं हम शायद उनसे और भी सिनेमा की उम्मीद रख रहे थे और शायद और बेहतरीन काम की। क्या कोई ऐसा किरदार या रोल था इमरान जो आपको पता हो इरफान की तहे दिल से इच्छा थी करने की और शायद वो नहीं कर पाए? कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसी कहानी वो जरूर बताना चाहते थे एक बार अपनी जिंदगी में? उन्होंने तो इतनी वैरायटीज करी हैं, तो हर बार कहानी ढूंढते रहते थे। तो ऐसा कैरेक्टर जो उनकी आरजू रह गई हो तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली कोई कैरेक्टर बोलना तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर के बारे में तो याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कभी कहा कि ये वाला कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ। जो चाहा उस दौरान में तो वो करते ही रहे, लेकिन ये था कि जब बहुत मतलब प्राइम टाइम आया, जब चीजें बहुत अच्छे से हो रही थी, जब उनके लौटने का समय हो गया, थोड़ा सा वो जरूर सही नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसे तो नहीं कि उनकी आरजू कुछ रह गई हो, या कि तो डेफिनेटली अच्छी कहानियां ढूंढते रहते थे अच्छे किरदार करने के लिए, लेकिन कभी कोई कैरेक्टर का नाम उन्होंने लिया हो मुझे ऐसा याद नहीं। जाते जाते इमरान, आप इरफान के उन सब फैंस के लिए ऐसा क्या बोलना चाहते हैं? हम जानते हैं कि उनकी जिंदगी से जुड़े शायद अगर आप कुछ उन चंद लोगों में से जिन्होंने इतना वक्त बिताया, आप उनके फैंस के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं? बहुत अजीब है, हम भी ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ही बोल सकती हूँ कि आप इरफान के फैंस के लिए ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो इरफान खान के फैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनको चाहते इसीलिए हैं कि वो एक सच्चे इंसान थे। वो कैमरे के सामने भी सच्चे थे, वो कैमरे के पीछे भी सच्चे थे। उनकी वो सच्चाई है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। उनका वो चार्म, उनकी वो खूबसूरती, उनका वो पर्सोना, वो सिर्फ इसीलिए अच्छा था। वो एक शब्द के अंदर मैं इरफान खान को डिफाइन कर सकता हूँ, और वो है सच्चा इंसान। वो हर तरीके से सच्चे थे, वो स्पिरिचुअल थे, वो ग्राउंडेड थे, वो वही थे जो एक आम आदमी है। तो इसीलिए वो सारे फैन उनको याद करते हैं, इसीलिए उनको मिस करते हैं, इसीलिए उनकी एक एक फिल्म देखते हैं। किसी ने कोई फिल्म नहीं छोड़ी। मैंने जितने लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा कि हमने उनकी हर फिल्म देखी है। हमने उनकी वो फिल्में भी देखी हैं जो कभी चली नहीं, लेकिन उन फिल्मों को भी देख के और उतना ही मजा आया उसको भी देख। और एक आखिरी सवाल इमरान आपके लिए, ये मुझे कुछ फैंस ने बोला था पूछने को, तो मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। इमरान, इरफान ने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में बहुत नाम कमाया, वो बहुत कुछ चुनिंदा बॉलीवुड एक्टर्स में से थे जिन्होंने जिनकी हॉलीवुड में पहचान थी एक सक्षम रोल के लिए, कोई छोटे मोटे किरदार के लिए नहीं, लोग उनको प्रॉपर रोल्स के लिए इरफान से बात करते थे। क्या कभी इरफान में ये चाहत रही थी कि वो हॉलीवुड में बहुत बड़े रहें, या वो बॉलीवुड से जाकर वहां भी कभी बिल्कुल सेटल होना चाहते थे? क्योंकि हमने उनको जितना भी उनका काम देखा, वो दोनों जगह थे और उन्होंने कभी कहीं कमी नहीं छोड़ी, बट उन्होंने अपने हॉलीवुड के फेम को कैसे लिया, क्योंकि वहां उन्हें बहुत बहुत इज्जत बख्शी गई है उस काम में? नहीं, वो उन्होंने कभी कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं यहाँ से सेटल होके वहां चला जाऊं और वहां सेटल हो जाऊं। वो तो हमेशा यहीं रहना चाहते थे, यहीं करना चाहते थे, और बीच बीच में जाके करना आना वो उनकी एक वो थी। बीच बीच में जाके कराते थे फॉर द सेक ऑफ वैरायटी, और जो अपने अंदर के आर्टिस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। अदरवाइज हिंदुस्तानी थे, और हिंदुस्तान को कभी छोड़ने के बारे में तो उन्होंने कभी कहा नहीं। तो यहीं रहना चाहते थे, यहीं काम करना चाहते थे, लेकिन हाँ हॉलीवुड उन्होंने करा, अच्छा करा, और करना भी चाहते रहे। थैंक यू सो मच इमरान, आपने मुझे कुछ ऐसे पहलू से रूबरू कराया जो मैं जानती नहीं थी, बट आई थिंक मैं और आप एक बात पे जरूर सहमत रहेंगे कि बहुत एक सच्चे कलाकार को हम लोगों ने बहुत जल्दी खो दिया, बट
उनका काम हमेशा रहेगा और इंशाल्लाह आगे बाबिल भी उनके काम को आगे ही लेके जाएं, हम सब आप में और शायद सारे फैंस यही प्ले करते हैं। पर थैंक यू, आपने एक डिफिकल्ट इंटरव्यू किया जो मैं कहूंगी, क्योंकि किसी को वापस अपनी यादों से निकाल कर सबके सामने शेयर करना इजी नहीं रहता, बट थैंक यू सो मच। कोई जो रहा नहीं हो उसके बारे में आप बात करें और वो चीजें कुरेद कुरेद के लेकर आए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोनों बातों के बीच में अपने आप को और अपने इमोशंस को एक तरफ रख के बात करना। बट एनीवेज यू ऑलवेज मिस इरफान खान। वी ऑलवेज डू एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक मैं फिर कहूंगी बहुत ही दिल से जुड़ी हुई चैट के लिए, थैंक यू सो मच सो मच। थैंक यू।